Good morning, class. First, open your GK book and open page number 8. तो बच्चा पेज नंबर 8 में हमने क्या किया था? हमने डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा था. डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल जो हमारे घर में रहते हैं, हमारे फार्म में रहते हैं और हमारे बहुत प्रकार से हेल्प करते हैं. वो हमारे हेल्पर भी कहलाते हैं. तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दे रखा था, अलग अलग सेंटेंस दे रखे थे, तो आपने उनके नाम सोचने थे. ठीक है, तो हमने यहाँ पे बुक में फिल किया था ऑलरेडी. कि पहला सेंटेंस था, इट गिव अस मिल्क, इट इज़ अ, तो हमने लिखा काओ, ये हमें दूध देती है, तो ये है काओ, है ना. तो ये हमने बुक में फिल किया था. आज यही काम अपनी नोटबुक में करेंगे, यानी कि कॉपी में करेंगे. तो अपनी कॉपी निकाल लीजिए. सबसे पहले लिखिए चैप्टर 3 एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. ओके, फर्स्ट है इट गिव अस मिल्क, इट इज़ अ, ये हमें दूध देती है और ये क्या है? तो इसका आंसर आएगा काओ, है ना. सेकेंड, इट गिव अस एग, इट इज़ अ, ये हमें अंडे देती है, तो ये क्या है? हैन. ओके, मुर्गी. थर्ड, इट गार्ड्स अवर हाउस, इट इज़ अ, ये हमारे घर की देखभाल करता है. तो कौन करता है हमारे घर की देखभाल? डॉग, यानी कि कुत्ता. फोर्थ, इट गिव अस वूल, ये हमें ऊन देती है, इट इज़ शीप, ऊन हमें भेड़ देती है. फिफ्थ, इट गिव अस मिल्क एंड मीट, इट इज़ अ, ये हमें क्या देती है? दूध भी देती है और मांस भी देती है. इसकी मीट को हम खाते हैं, तो वो है गोट, यानी कि बकरी. बकरी हमें दूध भी देती है, उसकी मीट को हम खाते भी हैं. आगे बढ़ते हैं. सिक्स्थ में है, इट कैरीज अवर लोड, इट इज़ अ, ये हमारे क्या करता है? हमारे सामान को ले जाता है, भारी सामान को ले जाने में हमारी मदद करता है, तो वह है डंकी. सेवन्थ, इट कैरीज लोड एंड पीपल अक्रॉस द डेजर्ट, इट इज़ अ, ये देखो ये भी हमारा सामान ले जाता है और लोग इसकी मदद से पार करते हैं रेगिस्तान, रेगिस्तान में जाते हैं. तो वे क्या है? वो है कैमल. कैमल क्या है? जो ऊँट होता है उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्योंकि बहुत रेत में भी आसानी से चला जाता है. एट, इट कैन बी यूज फॉर राइडिंग, इट इज़ अ, इसका काम हम राइडिंग की यानी कि सवारी के काम करते हैं, तो क्या है? वो है हॉर्स. तो इस प्रकार से बच्चे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ में इनको लर्न भी करना है. तो ये एक्सरसाइज इसी प्रकार से बुक में आपने पहले फिल किया होगा, अब इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे. तो आज हम इतना ही करेंगे. ओके.